हेलो दोस्तों, मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं थक गई क्योंकि अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई, क्योंकि यहीं पे मैं व्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, कोई मेरे मुँह की तरफ देखता नहीं है, क्योंकि 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 बहुत हो गया कैंसिल। व्लॉग इस कंटेंट पे है कि हम लोगों को घूमने जाना है, हाँ शायद शिरडी जाना साईं बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि न्यू कार ली। इनका बड़ा सपना था कि खुद की गाड़ी में मम्मी पापा को घुमाएंगे, तो हर लड़के का यही सपना होना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं रेडी हो लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलो हम लोग निकलने के लिए सब लोग रेडी। घर को ताला, इधर मेरी पर्स, पानी की बॉटल, क्योंकि मुझे बाहर का पानी बिल्कुल नहीं पसंद और फिल्टर का भी नहीं पसंद। उधर हमारी कार है जो बहुत लंबी है, जिसको टर्न लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग सबसे पहले पाटना देवी के मंदिर पे जा रहे हैं, चंडिका माता के दर्शन के लिए, क्योंकि कार ली और मंदिर पे जाना बनता है जो घर के पास ही। यहाँ पे मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि पानी बहुत, कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी जाता है। यहाँ पे पुल था, मैं मेरी चप्पल ना यहीं पे निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी चप्पल एक तो ख़राब हो जाएगी और मैं इसमें चल नहीं पाऊँगी, क्योंकि थोड़ी हिल है ना, और यहाँ पे ना थोड़ी मुझे लैगिज ऊपर ही करनी पड़ेगी। शिरडी की ओर निकल पड़े। वातावरण जो है वो बारिश का है बहुत ज़्यादा, इस वातावरण के साथ मज़ा लेके चलते हैं हम लोग शिरडी की ओर। आप लोगों को बस हरे भरे खेत दिख रहे होंगे इस समय। जैसे कि मैंने बोला कि बारिश का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है कब से, तो हम लोग थोड़ा कुछ खाने के लिए रुक गए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी और बारिश की वजह से हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। ये कुछ पावड़ा मिर्चियों के साथ और गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बारिश में चाय तो बनती है, उसके ना मज़ा कहा। हम लोग लगभग शिरडी की ओर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कार पार्क कर दी, बहुत सारी कार यहाँ पे पार्क की, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर आना पड़ा है हम लोगों को। जो लोग शिरडी आ चुके ना, उनको तो पता है कि अंदर फोन अलाउ नहीं होता, तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए निकले कि कुछ शॉपिंग करेंगे। वैसे तो यहाँ कुछ लेने लायक नहीं, क्योंकि सच कहो तो डबल भाव होता है हर चीज़ का, लेकिन फिर भी मैं बिना झुमके लिए तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि झुमकों से जो मुझे बहुत ज़्यादा पैर और मिलेंगे। बहुत बार शिरडी है, लेकिन आई लव शिरडी का लोगों में अभी तक नहीं देखा था, तो आज मैं घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच चुके, लेकिन बहुत लोग सेल्फी लेने के लिए रुके हुए। सब घूमने के बाद अभी हम लोग महाभोजन की ओर, मतलब महाप्रसाद की ओर बढ़ चुके, जहाँ पे मुफ्त में खाना होता है। महाराज का मतलब साईं जी का प्रसाद होता है जो सब ग्रहण करते ही है। यहाँ का यही मज़ा है कि अभी मतलब बहुत कम लोग हैं, इसलिए लाइनें कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती खाना खाने के लिए भी, क्योंकि कोई भी खाना नहीं छोड़ता यहाँ का। सब सोचते कि महाराज का प्रसाद है, उनको ग्रहण ना किया जाए, तो उनकी कहानी उसी ऊपर है ना। बताया जाता है कि वो बहुत गरीबी में ज़िंदगी बिताए थे, लेकिन उनका खाना पका हुआ कभी ख़त्म नहीं होता था। तो चलो खाना खाने की ओर बढ़ते, आप लोगों को मैं हॉल भी दिखाऊँगी। लगभग थोड़ी दूरी का रास्ता पार करते हुए हम लोग पहुँच चुके अपनी मंजिल की ओर, मतलब खाने की ओर। तो मैं आप लोगों को अंदर का हॉल दिखाना चाहूँगी, कि बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे कम से कम 5000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ एक साथ खाना खा सकते हो, कितना भी कोई VIP हो यहाँ पे आके ज़रूर खाना खाता है। तो हम लोग अपनी टेबल की ओर बढ़ते बैठते और खाना खाते। तुम्हारा कमले भारी दिखते हो।
जी ने हंडे पानी गर्म पानी गर्म कर चिरखत वाघ नसते छोटे दिसता है माणसांची मोठी होती अशी हे झालं असे राहायचं लाकूड फक्त नाव टाकलंय त्यांनी पुढचं झालं जुनं लाकूड त्या तुटले नाही लाकूड हे बघा बान बान का बान खंजर होते ना खंजीर बंदूक सारखं का बरं फुले कुडाडी सारखं बंदूक सारखं आप लोगों को जो मैंने दिखाया वो सब छत्रपति शिवाजी महाराज की पुराने वस्तुकलाएं थी। तभी हम लोग घर की ओर निकल रहे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।